नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप देख रहे हैं ACC न्यूज़ टुडे। बीते गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखी गई। आपको बता दें कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 20 मिनट तक पंजाब के एक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। आम जनता की सुरक्षा के लिए जहाँ पुलिस काम करती है, वहीं बड़ी शख्सियतों को कुछ खास सुरक्षा सेवाएँ मुहैया कराई जाती हैं, जैसे Z+, Y+ व X+। बड़ी शख्सियतों में मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, मशहूर नेता व वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। BBC के अनुसार भारत में ऐसी खास सुरक्षा करीब 450 लोगों को दी गई है। वहीं देश के प्रधान सेवक यानी प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पर होती है। देश व शासन व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री को देश विदेश का दौरा करना पड़ता है। प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हैं, इसलिए उनकी खास सुरक्षा के लिए SPG को नियुक्त किया गया है। SPG पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी होती है। एक साये की तरह वो प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा करती है, ना सिर्फ यात्रा के दौरान बल्कि उनके आधिकारिक आवास में उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए SPG तैनात रहती है। सबसे महंगी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए SPG का गठन 1988 में किया गया था। इसे देश की सबसे महंगी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कहा जाता है। BBC के अनुसार SPG पर सालाना 375 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए जाते हैं। पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यशोवर्धन आज़ाद का कहना है कि प्रधानमंत्री के किसी भी दौरे से पहले खास तैयारियां की जाती है। अगर PM किसी चुनाव रैली में जनता को संबोधित करने जा रहे हैं तो अलग तरीके से तैयारी की जाती है। चप्पे चप्पे की जांच की जाती है और ख्याल रखा जाता है। वहीं लंबे समय से PM को कवर करने वाले पत्रकार निर्मल पाठक का कहना है कि प्रधानमंत्री के किसी भी दौरे से पहले SPG सिक्योरिटी उस स्थान का निरीक्षण करती है, साथ ही वहाँ SPG का दस्ता तैनात किया जाता है। और इस बीच IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो राज्य की सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क करती है। एडवांस सिक्योरिटी मीटिंग UP के पूर्व DGP विक्रम सिंह का कहना है कि PM के दौरे से पहले एडवांस सिक्योरिटी लिएजन मीटिंग होती है, जिसमें SPG के साथ स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद होते हैं। इसी मीटिंग में PM के कार्यक्रम के आधार पर उनकी सुरक्षा का विश्लेषण किया जाता है, साथ ही संभावित प्रदर्शन या अराजक तत्वों के विषय में भी बात की जाती है। PM की मूवमेंट की पूरी ड्रिल की जाती है, साथ ही हर चीज़ का विकल्प रखा जाता है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित ठिकाने भी तैयार किए जाते हैं। ब्लू बुक में PM के राज्यों के दौरे से जुड़े SPG के लिए दिशा निर्देश दिए होते हैं। ये निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। इसके अनुसार PM के दौरे से 3 दिन पहले SPG राज्य के पुलिस अधिकारी, IB जिला मजिस्ट्रेट व अन्य जरूरी लोगों के साथ मीटिंग करती है, जिसमें PM के मिनट टू मिनट कार्यक्रम से जुड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं। साथ ही सुरक्षा से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर भी बात की जाती है। हर स्थिति के लिए योजनाएँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा राज्य में जहाँ से PM का काफिला निकलेगा, वहाँ जगह जगह राज्य की पुलिस तैनात की जाती है। SPG एक्ट 1988 में अस्तित्व में आया था, जिसमें PM की सुरक्षा और SPG की जिम्मेदारियों को बताया गया है। इस एक्ट के अनुसार स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG प्रधानमंत्री और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा एक निर्धारित समय तक पूर्व प्रधानमंत्री को SPG सुरक्षा प्रदान करेगी। SPG के सभी सदस्यों को देश या विदेश कहीं भी अपनी सेवा देनी होगी। ग्रुप का कोई भी सदस्य छुट्टी नहीं ले सकता, साथ ही वो इस्तीफा भी नहीं दे सकता। SPG के सदस्य के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रालय और विभाग, प्रत्येक भारतीय मिशन, स्थानीय या अन्य प्राधिकरण, नागरिक या सैन्य प्राधिकरण SPG के कार्य में मदद करेंगे। सूत्रों का कहना है कि विरोध हमेशा किसी भी VIP की यात्रा के लिए एक खतरा होता है। आमतौर पर स्थानीय खुफिया जानकारी के पास इनपुट होते हैं कि कौन से समूह विरोध की योजना बना रहे हैं और निवारक कार्रवाई की जाती है। तो आखिर 5 जनवरी को पंजाब में क्या हुआ था?
जहां पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि पीएम के योजना में अचानक बदलाव आया, वहीं गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि पीएम के कार्यक्रम के बारे में पहले ही बता दिया गया था। पंजाब के मामले में जब खराब मौसम के कारण पीएम ने सड़क मार्ग से यात्रा करना चुना तो स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वह पूरे मार्ग को साफ करे। यह एक गंभीर सुरक्षा चूक थी, उन्होंने कहा। हालांकि एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि पंजाब के डीजीपी और एसपीजी के बीच पीएम के सड़क मार्ग से जाने के बाद क्या बातचीत हुई। उत्तराखंड और देश की खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे फेसबुक चैनल पर और सब्सक्राइब करें यूट्यूब। धन्यवाद।